शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्वर्गीय प्रतिभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्थान की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय को 2 कोरोना टेस्टिंग वाहन मशीन दी गई है। इस मौके पर विधान परिषद अध्यक्ष नाना पटोले के हाथों उद्घाटन किया गया, तो वही ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के साथ अन्य महानुभाव मौजूद थे। आइए डालते एक नजर हमारे संवाददाता संजय मीरे की रिपोर्ट पर। नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक दर्जनों कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रतिदिन कोरोना से मृत्यु होने का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना की रोकथाम करने के लिए और जनजागृति करने के लिए स्वर्गीय प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्थान की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय को 2 कोरोना टेस्टिंग वाहन मशीन दी गई है। नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में कोरोना टेस्टिंग वाहन मशीन का उद्घाटन विधान परिषद के अध्यक्ष नाना पटोले, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, संस्थान के रामकृष्ण ओझा, अतुल लोंडे, अभिजीत वंजारी आदि के करकमलों द्वारा किया गया। इस वाहन मशीन की विशेषताएं यह है कि दूर जगहों पर जाकर कोविड मरीजों का सैंपल लिया जाता है। कंटोनमेंट जोन में जाकर वहां के पेशेंट की टेस्ट करेगी। इस बारे में डॉक्टर समीर अरबट और रामकृष्ण ओझा ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में विभागीय कार्यालय के पास में इनबीसीएन की टीम आई हुई है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। अब तक के कोरोना वायरस से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जनजागृति करने के लिए शहर के एक सामाजिक संस्था ओझा प्रतिभा प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्थान की ओर से आज विभागीय कार्यालय को ये वैन दी जा रही है, जिसका काफ़ी फायदा आने वाले दिनों में लोगों के लिए होने वाला है। इस समय में जिसने इस वैन को डिजाइन किया है, ऐसे डॉक्टर अरबट हमारे साथ में मौजूद है, आइए उसे जानना चाहेंगे। अरबट साहब, ये बताइए जिस तरह से ये जो वैन जो बनाई गई है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस वैन? देखिए, ये वैन का मुख्य उद्देश्य है कि जो कोविड की केसेस लगातार बढ़ रही है, तो अभी हमें जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें टेस्टिंग बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये वैन इस हिसाब से बनाई गई है कि इसके अंदर जो डॉक्टर टेस्टिंग करेंगे उनको कोविड का इन्फेक्शन ना हो। तो ये वैन में 4 खूबियाँ है। पहली चीज़, ये वैन जो है ये एक पॉजिटिव प्रेशर वैन है। इसमें जो भी हवा अंदर बनती है वो बाहर निकलती है। इसका मतलब बाहर अगर कोई पेशेंट खांसता है या छींकता है तो वो कीटाणु अंदर नहीं आ सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। इसमें हेपा फिल्टर लगे हैं। जो ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू में या हमारे N95 मास्क में जो फिल्टर लगे रहते हैं, वही फिल्टर इस वैन को लगे हुए हैं। और चौथी चीज़ यह है कि ये वैन साइज़ में छोटी है, तो इसे किसी भी कंटेनमेंट जोन या छोटी सी छोटी गली में ले जाके हम खड़ा कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोगों का सैम्पलिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से इस वैन को मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ डॉक्टर की टीम भी अंदर में मौजूद होगी, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ये एक पॉजिटिव प्रेशर बॉक्स है। मतलब यहाँ जो भी अंदर हवा रहेगी ये बाहर जाएगी। बाहर से थोड़ी सी भी हवा अंदर नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अंदर के डॉक्टर को कंप्लीट सेफ्टी है बाहर खांसने वाले व्यक्ति से। और दूसरी चीज़, हेपा फिल्टर होने की वजह से जो एयर सर्कुलेशन है वो हवा हमेशा पूरी साफ रहती है, उसमें कोई भी कोरोना का कीटाणु नहीं रह सकता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम आपको लेके चलते हैं वैन के भीतर में, किस प्रकार के वहाँ पे डिज़ाइन किया गया, क्या क्या है। अच्छा अरबट साहब, थोड़ा खोल के हमें बताइए, पूरे विस्तृत जानकारी दीजिए हमारे तमाम दर्शकों के लिए। आप ये वैन का दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंदर खड़े रह सकते हैं। तो यदि अगर मैं डॉक्टर हूं जिसे सैंपलिंग करने का है, तो देखिए मैं यहां से कैसे अंदर चढ़ के जाता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं जिसने पूरा पीपीई किट पहना हुआ है और मैं फिर यहां पे खड़े होके यहां से अपने हाथ अंदर डालता हूं और ऐसे मैं पेशेंट का सैंपल ले सकता हूं। आपका मुंह खोलिए और ऐसे मैं सैंपल ले सकता हूँ। और इस तरीके से सैंपल लेने के बाद मैं फिर से अपने हाथ अंदर ले लेता हूँ। जब ये दरवाज़ा बंद रहता है तो कोई भी कीटाणु बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। ऐसे 2 डॉक्टर यहाँ पे एक इस तरफ और एक इस तरफ खड़े रह के सैंपल ले सकते हैं और हम यहाँ से लोगों को अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि लोगों ने 6 फीट का अंतर रख के एक एक करके सैंपलिंग के लिए वैन के पास आना है। जी, इसका समाज को कितना फायदा होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को सैंपल देते वक्त ये डर रहता है कि वो अस्पताल जाएंगे तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। कई लोग घबराते हैं कि वो सैंपल लेने जाए तो कैसे जाए, और सरकारी जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी समय लगता है लोगों को कंटेनमेंट जोन से अस्पताल लाना और वापस ले जाना।
तो आप समझिए ये वैन खुद जब कंटेनमेंट जोन में जाएगी तो इससे जो सैंपलिंग है वो दुगना तिगना या उससे कई ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो आप थे डॉक्टर बर्बट जिन्होंने हर्बर्ट जिन्होंने बखबीर बेबक के साथ बात करते हुए इस वैन के बारे में बताया। हम आपको बता दें कि ये इस समय में हमारे साथ में ओझा साहब है, उनसे भी जानना चाहेंगे। ओझा साहब, ये बताए कि ये वैन देने के पीछे का उद्देश्य क्या था आपका? ये वैन देने का उद्देश्य ऐसा है कि ये महामारी जो है इस वक्त इस देश में बहुत ज़्यादा फैल रही है और ये डाउन ट्रेंड पे है नहीं, अपर ट्रेंड पे चल रहा है। तो नागपुर, अगर 30 लाख की पॉपुलेशन नागपुर शहर में है तो ये 2-4 हज़ार लोग जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी अपने, वो स्वास्थ्य कर्मचारियों के बस की बात कोशिश कर रहे हैं वो लोग, बट उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जैसे कि आप इस, अगर ये वैन है छोटी बनाई गई है, किसी भी कंटोनमेंट एरिया में जाकर वहाँ का सैंपल ले सकती है, स्क्रीनिंग कर सकती है, जिसके कारण जो इतनी सारी गाड़ियों का आवागमन, जैसे कल 180 के ऊपर पेशेंट थे, तो 80 लोग को सरकार को उनको लेके आना, लोग को छोड़ के आना, उनका सैंपल लेना, ये सारी चीज़ें बार बार हॉस्पिटल में आने के लिए की जाती है। इस गाड़ी के माध्यम से छोटी होने के कारण, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें हेपा फिल्टर है, पॉजिटिव प्रेशर है, एयरटाइट कंटेनर है, तो जिसके अंदर हमारे जो डॉक्टर्स जो लेंगे सैंपल लेंगे, उन डॉक्टर को भी कोई उसमें धोखा नहीं है। और ओझा साहब, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि कंटेनमेंट जो जोन है काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ी रहे, मरीजों की संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, ऐसे में क्या शहर के लिए दो वैन महज सफिशेंट है? नहीं, ये बात सही है आपकी। अगर ये बात, ये इसका वापर अगर सरकार शुरू कर देगी, इस वापर से हमको जितना फायदा होगा, तो संस्था हमारी और भी वैन देने के लिए तैयार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोग हम लोग मिलकर इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका वापर सही ढंग से सरकार करे, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 से 125 पेशेंट का एक दिन के अंदर स्क्रीनिंग एंड उसका सैंपल लेने का इसी कैपेसिटी है, और सेफ कैपेसिटी है, और घर पे जाके कैपेसिटी है। इस तरह की काफ़ी अच्छी सुविधा इस वैन के जरिए की गई है, अब इसका फायदा लोगों को यकीनन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये जानकारी ओझा इन्होंने दी है। अब हम रुक करना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी अफसर लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वाहन मशीन में लगे एसी को हिपा फिल्टर लगाया गया है। ये वाहन मशीन शहर के कोरोना मरीजों की जांच के लिए काफी उपयुक्त है, ऐसी जानकारी विधान परिषद के अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने इन विषय समक्ष दी। अध्यक्ष नाना पटोले जी हमारे साथ में, उनसे जाना चाहिए। नाना, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कामकाज किया है, कैसा महसूस कर रहे हो? देखो कि हमारी श्रीमती ओझा जी, उनके सुपुत्र जो हमारे कांग्रेस के नेता है, उनके माँ के स्मृति के उपलक्ष्य में उन्हें ये कोरोना जैसे महामारी के इसमें लोगों का बचाव हो, और इसलिए उन्हें एक, आज हम विभागीय आयुक्त को इस गाड़ी को सुपुर्द कर रहे हैं, जिसे एक बड़ा फायदा कोरोना ग्रस्त लोगों को या होने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए होने वाला है। और एक इसमें फील कैसा कर रहे बोले तो, ये लोगों को बचाने का काम निस्वार्थ रूप से जो किया जाता है उसको, उसका आनंद ही अलग होता है, और निश्चित रूप से एक अच्छा बड़ा काम ओझा परिवार की तरफ से हुआ है। तो आप विधान परिषद के अध्यक्ष नाना पटोले जिन्होंने बखबीर बेबक के साथ बात करते हुए ये कहा कि ये जो वैन है ये काफ़ी लोगों के कामकाज आने वाली है, जिससे लोगों का फायदा ही होगा। अगर कोरोना का संक्रमण और इसकी रोकथाम करना है तो इस प्रकार का ये कामकाज जो है वो सराहनीय है, ऐसा उनका मानना है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।